हे वेलकम गाइस, आप देख रहे हैं कास्टम तीसरा टेक्निकल। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया। मेरे पास एक रेडमी नोट 3 का फ़ोन है, जिसे कि हमें EDL मोड पे कनेक्ट करना पड़ता है। जो हम क्वालकम फ़ोन होते हैं, वो हमें उसे EDL मोड पे कनेक्ट करना पड़ता है। आज मैं आपके लिए यही एक ट्रिक लेकर आया हूँ, क्योंकि कैसे जैसे हम अपने मोबाइल को बिना बैक पैनल ओपन करे, बिना कुछ करे, हम मोबाइल को अपना फास्ट बूट मोड पे कनेक्ट कर सकते हैं। फास्ट बूट मोड टू EDL मोड कनेक्ट। मेरे कुछ भाई होते हैं जो मोबाइल कनेक्ट नहीं कर पाते EDL मोड से, इसीलिए आज मैं उनके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। और आप अपने फ़ोन की गारंटी भी जो बचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उसके उनके लिए सही रहेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने स्क्रीन पर जाना है। मैंने ये टूल डाउनलोड करके रखा है, इस टूल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे आपकी फ़ोन की गारंटी भी बच सकती है, और ये रियलमी ये सॉरी ये MI और वीवो के फ़ोन के लिए खास है। हमें सबसे पहले मैं वॉल्यूम माइनस और पावर बटन दबाना है। मैं अपने मोबाइल को फास्ट बूट मोड पे ले जाना है। ये देखिए, ये मेरा मोबाइल फास्ट बूट मोड पे आ चुका है। ये देखिए, ये मेरा मोबाइल फास्ट बूट मोड पे है। ये देखिए, ये मेरा मोबाइल फास्ट बूट मोड पे आ गया। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सीधा ओनली डाटा केबल लगानी है। मैंने अपनी डाटा केबल लगा दी है, मैंने अपना फ़ोन फास्ट बूट मोड पे कनेक्ट करा है। अब मैं आपको डिवाइस मैनेजर ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फास्ट बूट मोड पे फ़ोन कनेक्ट है। और ये देखिए, ADB इंटरफेस एंड्रॉयड बूट लोडर, मेरा मोबाइल फास्ट बूट मोड पे कनेक्ट है। अब हमें सिंपल ये करना है, हमें यहाँ पे आना है, ये जो EDL है हमें इसको प्रेस करना है, इसे क्लिक इस पर क्लिक करना है। ये देखिए, हमारा फोन पावर ऑफ हो गया। ये देखिए, ये मेरा फ़ोन बिना बिना ओपन करे क्वालकॉम मोड पे चला जा चुका है। ये देख लीजिए आप, इससे आपकी फ़ोन की गारंटी भी बच सकती है। ये देखिए, मैंने अपने फ़ोन को ना बैक पैनल ओपन करा है, ना कुछ भी करा है, सीधा मेरा फ़ोन फास्ट बूट मोड से क्वालकॉम मोड पे कनेक्ट हो चुका है। ये मेरे उन भाइयों के लिए जो अपना मोबाइल कनेक्ट कर नहीं कर पाते हैं, और या अपने फ़ोन की गारंटी बचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक और कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब जरूर कर देगा।